पास 1 रुपये भी नहीं है, बस थोड़े बहुत चिल्लर पड़े हुए हैं मेरे पास, ये देखो बस इतने ही पैसे हैं अब मेरे पास कुछ भी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 9, मैं बहुत लेट ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, 9 दोस्तों बज चुका है और अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ था और काफ़ी काम मैंने कर दिया। मैं अभी मार्केट गया था, मार्केट से थोड़ा चावल लेकर आया और आज तो दोस्तों सरकारी मशीन लगने वाली है। यहाँ पे देखो रफीदा ने भी इस फिल्टर से पानी उनी वगैरह भर लिया है, उसके कपड़े उपड़े धोने हैं। जितने कपड़े ना, ये सारे इनाय के कपड़े हैं, इनमें से सिर्फ एक मेरा टी शर्ट है। इनाय इसमें सारी रात सुसु कर देती है, और तो रात को आज रात को 3 बजे उठी थी, 3 बजे उठ के टॉयलेट कर दिया। हाँ टॉयलेट करती है रात, रोज टॉयलेट करती है। हाँ कल कहाँ किया था, कल नहीं किया था। सरकार की तरफ से ना पापा के नाम से एक मशीन अप्लाई किया था, 2 खेतों को पानी देता है, तो वो मशीन आ चुका है, कल ही आ गया था, कल मतलब कि काफ़ी दिन पहले आ गया था, तो आज वो लोग फिटिंग करेंगे, तो इसलिए फिर खाना पीना भी उनका जो है सारा कुछ जाजी करना पड़ेगा। तो अभी मेरे को फिर जाना है मार्केट, थोड़ा सा सब्जी लेके आना है, तो मैं सब्जी वगैरह ले आता हूँ, उसके बाद बाकी का काम करता हूँ। रिनाया आराम से सो रही है तो इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और आराम से जाएंगे। गाइस मैं जैसे ही जाने लगा इनाया उठ गई, आके देखा बिस्ना में कि उठी है कि नहीं, देखा तो उठ गई, तो जल्दी से मैंने गोद में उठा लिया। सोइए कि नहीं सोइए, देखो तो सोइए, गोद में सो जाएगी, ये देखो नहीं सोइए। ये कौन है, ए? ए? कौन है ये, कौन है? जल्दी से कपड़े धो लो आप, कपड़े धो के काम खत्म करो और जल्दी इनाया को पकड़ो। अभी फिर मैं सब्जी लाने के लिए कब जाऊंगा? ये जानते हो दोस्तों, ये हमारे लिए ना गॉड गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट, इसलिए तो इसका नाम इनाया है। अगर आप ना इनाया का नाम गूगल में सर्च करना, आपको पता चलेगा इनाया का नाम का मतलब क्या है ना। अम्मा माँ है मेरी, माँ बाय बाय बाय, बस मैं आता हूँ फिर। दोस्तों सामान लेके आ गए घर पे बाजार से, मिर्चा लेके आया, प्याज लेकर आया, पापड़ लेकर आया। लोग भी बोलेगा, सोचेगा ये बंदा कर की रहा है। ये रहा मिर्चा, ये रहा पापड़, ओ ये रहा प्याज, ये रहा पापड़, ये रहा आपका गरम मसाला, जीरा मसाला था ना, हैं? गरम मसाला वास्को क्या हुआ, ये रहा आपका गरम मसाला। जैसे चाय बनाता हूँ, मैं लोगों को चाय देख कर आता हूँ। ये मुर्गी बहुत परेशान कर रहा है। ए, चल बाहर निकलो, बाहर निकलो। ये बैगन कितने का लेकर आई? हो जाएगा तेल, कम तेल तो खा के पता चलेगा ना, खा के देखो। कम ना हल्का सा कम लग रही है। वो देखो इनाया आ गई। अम्मा वाव, ये किस तरह से पकड़ी है, किस अशो 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 मेरे को क्या बैगन दिया, ये 10 रुपए का, 15 रुपए बोलता है, मतलब ना 10 रुपए दूंगा। चाय भी बन गया जी, देखो इनाया क्या कर रही है। वाओ 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 वाओ, तो देखो चाय लेके जा रहा हूँ उन लोगों के लिए, और अभी खेत के बीच बीच में से रास्ते से जा रहा हूँ, और वो देखो वहाँ पे वो लोग मशीन लगा रहे हैं। तो दोस्तों ये है वो सरकारी मोटर जो सरकार की तरफ से लगाया है, और इसके बहुत सारे सप्लायर है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये जो काले रंग का दिख रहा था ये फिल्टर है, और बाकी जो साइड में दिख रहे हो ये सारी तारे लगी हुई हैं, तारे मतलब कि पानी वाली पाइपें हैं जो सप्लाई दे रहे हैं। जितने बीच बीच में काली काली तार दिख रही है ना, ये सब पाइप है पानी की, और इनके अंदर से पानी के फुहारे निकलेंगे जो कि पूरे खेत में और जितने भी यहाँ पे ये सब बांस बांधा हुआ है सब में पानी लगेगा। खावाजा बना के आता होगा, ये सभी लोग यहाँ पे पाइप फिटिंग कर रहे हैं ताकि पानी का सप्लाई जो अच्छी तरह से जा सके। कनेक्शन होने के बाद ये लोग मोटर चालू करके चेक करेंगे कि कैसा चालू हुआ है कि नहीं चालू हुआ। तो दोस्तों चाय पीना तो हो गया, अभी इन सबको घर पर छोड़ के आकर फिर एक पाइप लेकर आता हूँ।
ताले पाइप गिलर नक बना रहा एकटा नक बोल एकटा नक बो तुमरा जदी कौन बोले आरो बारे दे है ताले दू दे ना ना चाचू तो सब लोगों ने पी लिया मुरी भी खा लिया मैंने भी खा लिया हूं अभी हम लोग घर जाएंगे और घर से पाइप और एक वो बंडल लाके इनको दे देंगे उसके बाद इधर का काम तो मेरा खत्म फिर घर पे जाके इनाया को देखते हैं इनाया क्या कर रही है इनाया कहां गई है हाँ इस पाइप का भी जरूरत है करेगा ये जितना जरूरत पड़ेगा ये रहा एक बंडल हमने यहाँ पे रखा है इसका भी जरूरत है ये और ये दोनों ही खेत में लेके जाऊंगा दोस्तों मोटर तो फिट हो गया है पानी भी निकल रहा है अभी बढ़िया है पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा है अब कंप्लीट जब फिटिंग हो जाएगा तब फिर सारा काम खत्म ये लोग चल जाएंगे फिर हम लोगों को खेत में पानी देना पड़ेगा और एक पार्सल आ गया है नया का मैंने नया का तेल ऑर्डर किया था बॉडी जो मसाज करते हैं उसके लिए तो वो पार्सल भी आ चुका है और वो जहांगीर लेके आया तो मैं भी जहांगीर के उधर ही जा रहा हूँ पार्सल ले आता हूँ जा मुंडे मेरे पार्सल किधर है पार्सल तो पाजी बहुत ही अजीब है ये रहा जी पार्सल मिल गया अब इसको लेके जा रहा हूँ मैं घर घर पे जाके इसको खोल के देखता हूँ क्या है खोल के मालूम है तेल ही है और क्या होगा चलो देंगी ये देखो पार्सल आ गया ही नया का साथ में आरिशा भी आ गई जवाब कहाँ से देगा जी बिजी है क्योंकि देखो ना बच्चों को पकड़ा है वाओ आप तो बहुत सुंदर लग रही हो कौन सा क्रीम लगाया आपने वाओ ये देखो गाइस इनाया का तेल बॉडी मतलब की ऑयल बेबी ऑयल सेम है ना इसी कंपनी का हमने ऑर्डर किया था वही कंपनी आया दिखाओ तो सही इधर दिखाओ तो सही निकाल के दिखाओ कौन से कंपनी का विजल विजल बेबी ऑयल ना ये देखो आरिशा ये कौन है आरिशा कैसे सभी लोगों ने खाना वाना खा लिया और सभी लोगों का काम भी खत्म हो गया सभी लोग घर भी चले गए हैं तो ये देखो ये सारा फिटिंग हो गया यहाँ पर मैं आया हूँ देखने के लिए और वो रहा मशीन कुंडा गाइस मैं खेत से घर पे आ गया हूँ और अब थक गया मेरा लेकिन वो सामान वगैरह उठा के लेके आया था ना और आज मेरे पास जेब में 1500 रुपये था 1500 में से सुबह 500 का मैंने सामान लेकर आया और बाकी 1000 रुपये जो ये सरकारी लोग आए थे ये लोगों को फिटिंग करते इन सब में चला गया अभी मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है बस थोड़े बहुत चिल्लर पड़े हुए हैं मेरे पास ये देखो बस इतने ही पैसे हैं अब मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी काम में जाऊंगा वहाँ से अगर कोई पैसा मिलेगा तो फिर होगा नहीं तो मुश्किल हो जाएगा दिक्कत हो जाएगा जी पैसे नहीं रहेगा तो फिर कहाँ से क्या करूँगा मैं तो दोस्तों सारा काम जो है ख़त्म हो चुका है और अभी टाइम भी 5 बजने वाला है तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करता हूँ और ये देखो यहाँ पे इनाया है उसकी मम्मी है सबको बोल दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो चैनल 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 चैनल